जबलपुर जिले के पीरपैंती बाखरपुर के दो बच्चों के अपहरण की गुत्थी को कटिहार पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल बीते 5 अप्रैल की देर शाम बारात में कटिहार आए दो बच्चे नकुल और उसका दोस्त विष्णु का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद दो दिन तक के बच्चों को भूखे प्यासे मकई के खेत में रखा गया, जिसके बाद परिजनों ने कटिहार पुलिस से संपर्क किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण किए गए बच्चों को बचाते हुए 4 में से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। एक नकुल कुमार अपने दोस्त की शादी में आए थे, जिनका यहाँ 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसकी सूचना जब उनके परिजन द्वारा पुलिस को दी गई तो उसमें पुलिस के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नगर, थानाध्यक्ष मुफसिल और थानाध्यक्ष रोहतारा की एक टीम बनाई गई। अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती में 1 लाख रुपये की मांग की गई थी, जो बाद में उन लोगों कटिहार पुलिस ने अपहरण की गुत्थी सुलझा दी है। 4 में से एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन 3 अपराधी जो अन्य हैं वो अब भी फरार चल रहे हैं पुलिस के नजर से, जिसके लिए लगातार पुलिस जो है टीम बना के छापेमारी कर रही है। तो दो बच्चों को अपहरण कर लिया गया था इनका, और दो दिन के बाद जो है इन्हें भूखे प्यासे मकई के खेत से बरामद भी किया गया। 5 अप्रैल की यह घटना है जहां दो बच्चों को जो है अपहरण कर लिया गया था और कटिहार पुलिस ने इसकी गुत्थी भी सुलझा दी है। 4 अपराधियों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अपहरण कर दो बच्चों को उन्होंने मकई के खेत में छुपा दिया, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर सफलता हाथ लगी है पुलिस के, और दो बच्चे जो है वो पुलिस के बरामदगी में आ गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमन जुड़ चुके हैं। सुमन, दो बच्चों का अपहरण हुआ, दोनों को पुलिस ने अब बरामद कर लिया है और एक अपराधी भी जो है गिरफ्त में आ गया है, लेकिन 3 अन्य अपराधी अब भी फरार चल रहे हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से की गई है? सुमन जी, देखिए कटिहार पुलिस लगातार छापामारी कर रही है तीनों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला यह है कि महज 7,000 रुपये को लेकर जो है भागलपुर जिला के पीरपैंती बाखरपुर के जो बालक का अपहरण कर लिया गया था 5 अप्रैल को, जो कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र में जो भटक रहे थे। इन दिनों को दो युवकों को मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने मोटरसाइकिल बैठाकर जो है इसको झांसा देकर अपहरण करने का ये मामला सामने आया था, जिसमें कटिहार पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है दोनों जी, सुमन जी, सुमन, क्या जो एक अपराधी जो अभी गिरफ्तार हुआ है, जो इसने अपहरण की घटना को अंजाम दिया, क्या उसके पास से पुलिस ने कोई हथियार या कुछ अन्य चीजें बरामद की हूँ? देखिए कटिहार पुलिस ने जो है गिरफ्तार जो किया है और इसमें अभी तक कोई ऐसा सामान नहीं मिला है, लेकिन जो 3 लोग फरार हैं उन पर जो है पुलिस टीम गठित कर के गिरफ्तारी की छानबीन कर रही है। क्या पूरा मामला क्या था इसमें ये खुलासा हुआ है, लेकिन 3 लोग और जब गिरफ्तार हो गए। एक आखिरी सवाल सुमन, एक आखिरी सवाल आपसे, जो दो बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया, क्या उन्हें अब तक परिजनों को सौंप दिया गया है या फिर अब भी उनको पुलिस ने अपने ही पास रखा है? जी, परिजनों को सौंप दिया गया है, दोनों बच्चों को परिजनों को बुलाकर बच्चों को सौंप दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कटिहार में 5 अप्रैल को 4 लोगों ने मिलकर दो बच्चों का अपहरण कर लिया था, दोनों ही बच्चे पुलिस को अब मिल गए हैं। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर दोनों बच्चे की बरामदगी की और मौके से एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया, लेकिन अन्य 3 अपराधी अब भी फरार चल रहे हैं और जिसके लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। वैशाली जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर सुनकर नीतीश सरकार की आंख भी शर्म से नीचे झुक जाएगी। दरअसल जिले के स्थानीय मुखिया और पूर्व जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम की मां का श्राद्ध कर्म था। इस श्राद्ध कर्म में महेंद्र राम ने बड़े ही बेशर्मी के साथ बार बालाओं के मंच का उद्घाटन किया और आयोजित कार्यक्रम में बार बालाओं ने खूब ठुमका भी लगाया।
साथ ही मंच के ऊपर कार्यक्रम का आनंद ले रहे दर्शकों ने नर्तकी के ऊपर खूब पैसे भी लुटाए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कोरोना के गाइडलाइन की खूब धज्जियां भी उड़ाई गई, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नीतीश सरकार की प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नेशन न्यूज नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाया हुआ है। नालंदा जिले में चंद महीने बाद जिससे शादी होने वाली थी उसी को मौत के घाट उतार दिया। मामला जिले के थरथरी थाना इलाके के द्वारका बीघा गांव की है, जहां युवक ने अपनी होने वाली पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक की शादी जनवरी महीने में द्वारका बीघा के रहने वाले अशोक चौहान की बेटी से तय हुई। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की रात आजाद अपनी होने वाली पत्नी से मिलने उसके गांव आया और इसी दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये सर की लड़का वो बात करता था, वो लड़का बात 400 घंटा बात करते रहता था, वो बल्फ दे के बुला के अब बुला के ऐसा घटना हो, गला काट दिया है सर, पूरा गले काट दिया है पूरा सर। रिश्ता हाँ शादी तय होल था सर। अच्छा, सब चीज पैसा वैसा दिल है, 4 लाख रुपया का लमसम दे, लेको बुलेट गाड़ी था, गाड़ी अभी नहीं पर रहा है। और लड़का के गार्जियन जो लड़की की शादी करे ला राजी थे, बाकी लड़का के अथी नहीं था, तो ये चलते लड़का ऐसा काम किया, उससे गार्जियन के तो दबाव है ये था कि शादी करना है। नालंदा का ये पूरा मामला है। मृतका छात्रा थी जिसे धारदार हथियार से आरोपी ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है, उसके बाद से वो मौके से फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरा मामला नालंदा के सदर अस्पताल की तरफ का बताया जा रहा है।